हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉन ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है रेलवे के 3250 प्लस वाली बुक से जो है सेट नंबर 4 को देख रहे थे, जिसमें 1 से 14 तक के क्वेश्चंस को देख चुके थे, और आज जो है 14 के बाद यानी 15 नंबर क्वेश्चन से जो है देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 5 का पावर 3 गुने 5 का पावर 4 गुने 5 का पावर 2 है। 5 का पावर 3 गुने 5 का पावर 4 गुने 5 का पावर 2 है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए, जब कभी भी गुना के फॉर्म में हो और उसका बेस जो हो समान हो, तो पावर जो है वो क्या हो जाता है कि जुट जाता है। तो यहाँ देखिए, बेस 5 है 5 है 5 है, यानी बेस समान है और गुणा के फॉर्म में है, तो इसका पावर जो है वो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो पावर 3 और 4 7 और 2 9, यानी कि 5 का पावर 9 हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर सॉल्व करने के बाद तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात जो है वो 5 अनुपात 6 अनुपात 8 है, और उनके वर्गों का जो योग है वो 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3 संख्या दिया गया है, 1 तो 5 दिया गया है, दूसरा 6 दिया गया है, और तीसरा 8 दिया गया है, और इन तीनों संख्या का जो वर्ग का योग दिया गया है वो 1250 हमें दिया गया है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया रहेगा वही निकालने का प्रयास करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस में जो है वर्ग का योग दिया गया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे कि इन तीनों का वर्ग का योग ही निकालने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए, वर्ग का योग निकालने से पहले क्या करेंगे कि ये तो रेशियो का मान है, और रेशियो में जो भी कुछ कॉमन रहता है वो काट के ओरिजिनल रेशियो लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ माना कि एक्स कॉमन रहा होगा, माना कि यहाँ भी एक्स कॉमन रहा होगा, अब यहाँ भी एक्स कॉमन रहा होगा, एक्स 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 तीनों जगह से खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 अनुपात 6 अनुपात 8 ही बचेगा। अब क्या करेंगे कि इन संख्या का वर्ग करेंगे, तो वर्ग यदि करते हैं तो 25 25 हो जाएगा, और ये 6 6 के 36 हो जाएगा, और ये 8 8 64 हो जाएगा। अब 64 और 36 और 25 ऐड करने के बाद 125 हो जाएगा। उसके बाद x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 125 एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, इन्हीं तीनों संख्या के वर्गों का योग है, लेकिन रेशियो का वर्ग का योग है, और ये 1250 जो है ये रियल वर्गों का योग है तीनों संख्या का। तो तीनों दोनों तो क्या है, वर्ग का योग ही है, इसलिए जो दोनों होगा वो बराबर हो जाएगा। अब 125 से कटेगा 1250 एक बार में, यानी 10 बार में, तो एक्स स्क्वायर का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर रूट अंडर जो है वो 10 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर है तो उधर जाएगा, तो रूट हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है इन तीनों संख्या का गुणनफल, यानी कि इन तीनों संख्या का हमसे जो है गुना पूछा जा रहा है। तो यदि अब हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 6 के 30 और 30 8 कितना हो जाएगा, 8 3 24, यानी 240, और एक्स 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 3 एक्स को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब देखिए, एक्स का मान यहाँ कितना है, रूट 10 है, तो इस एक्स के जगह क्या रखेंगे, रूट 10 को रखेंगे, यानी 240, और एक्स के जगह जो है हम क्या रखेंगे कि रूट 10 रखेंगे यहाँ से, और इस रूट 10 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी क्यूब हो जाएगा। अब इस रूट 10 को जो है हम इस तरह लिख सकते हैं, 240 गुने रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 10, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं। उसके बाद रूट 10 2 रूट 10 1 10 हो जाएगा, यानी 240 जो है यहाँ, और गुना ये 1 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2400, और गुना क्या हो जाएगा, रूट 10, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2400 रूट अंडर 10 जो है इसका आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक ना। तो देखिए, जो क्वेश्चंस में दिया गया रहेगा वही निकालने का प्रयास करिएगा, यानी क्वेश्चंस में वर्ग का योग दिया गया था तो वर्ग का योग किए, और वर्ग का योग करने के बाद जो है गुणनफल हमसे पूछा जा रहा था तो गुणनफल किए, और आंसर जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2400 रूट अंडर 10 आ रहा है, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 समांतर रेखा है, ठीक ना, और इस दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, उनसे पूछा जा रहा है।
तो देखिए, जब कभी भी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसका दो तीन रूल होता है। रूल क्या होता है कि एक तो संगत कोण होता है, एक क्या होता है संगत कोण होता है, और दूसरा क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण बनता है इसी में, और शीर्षाभिमुख कोण बनता है, और तीसरा जो है एकांतर कोण बनता है, ठीक ना। तो अब देखिए संगत कोण क्या होता है, तो देखिए ये वाली जो लाइन है इस लाइन के ऊपर यानी दाई ओर का और इसी लाइन के ऊपर दाई ओर का, ये दोनों क्या कहलाएगा संगत कोण, और ये दोनों संगत कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी एक का ये यदि यहाँ ए डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ भी संगत कोण से ए डिग्री का ही मान ए डिग्री का ही कोण बनेगा। उसके बाद देख लीजिए इसी लाइन में यदि बाई ओर का देखे ऊपर वाला भाग तो ये, और इसी लाइन में बाई ओर का ऊपर वाला भाग, ये दोनों क्या हो जाएगा संगत कोण, और इस संगत कोण से यदि माना कि ये वाला कोण यदि बी डिग्री बन रहा है तो ये भी कोण क्या बनेगा बी डिग्री बनेगा संगत कोण से। तो ये था संगत कोण। अब यदि हम बात करें शीर्षाभिमुख कोण का, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि जब कभी भी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो आमने सामने का जो कोण होता है वो क्या है शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, और दोनों शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो बराबर होता है। यानी कि यहाँ ये वाली कोण और ये वाली कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा और दोनों जो है वो बराबर हो जाएगा। यानी ये ए डिग्री हो जाएगा तो ये भी ए डिग्री हो जाएगा। उसी तरह ये वाली कोण और ये वाली कोण शीर्षाभिमुख कोण से यदि ये बी डिग्री हो जाएगा तो ये भी बी डिग्री, यानी दोनों समान होगा। उसी तरह यहाँ ये भी शीर्षाभिमुख कोण और ये भी शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण और ये दोनों, माना कि यदि ये ए डिग्री हो जाएगा तो ये भी ए डिग्री। उसी तरह ये यदि बी डिग्री हो जाएगा तो ये भी यदि बी डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि ये और ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा और शीर्षाभिमुख कोण दोनों क्या होता है समान होता है। उसके बाद एकांतर कोण क्या होता है कि जब कभी भी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाली कोण और ये वाली कोण जो है एकांतर रेखा कहलाएगी, और जब एकांतर कोण माना कि यदि ए डिग्री ये हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा ए डिग्री हो जाएगा, यानी दोनों एकांतर कोण जो है वो समान हो जाएगा। उसी तरह यदि ये वाला कोण का बात करें तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा एकांतर कोण हो जाएगा, माना कि यदि ये बी डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा बी डिग्री का कोण बनेगा एकांतर कोण से, ठीक ना। अब एक होता है अंतः कोण का योग, तो अंतः कोण का योग क्या होता है कि ए और बी का योग कितना हो जाएगा, ए और बी का जो योग हो जाएगा वो कितना 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसे कहते हैं अंतः कोण का जो योग होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन पहला क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण जो है युग्म के कोण का माप समान होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण युग्म के कोण का माप क्या होता है समान होता है, तो बात सही है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा ऑप्शन का बात करें तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोण युग्म के कोण का माप समान होता है। यानी क्या कह रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक और का अंतः कोण के युग्म के कोण का माप समान होता है। यानी कि क्या कह रहा है, ए डिग्री ये हो रहा है तो ये भी ए डिग्री होगा, यानी तिर्यक रेखा के अंतः कोण यानी अंदर वाला जो कोण है इसका युग्म यानी कि माप क्या होता है समान होता है। तो नहीं, माप समान नहीं होता है, माप का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी बी नंबर ऑप्शन जो है वही गलत है, और हमसे पूछा जा रहा था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है यानी विकल्प है जो गलत है, तो बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि हम सी नंबर का बात करें तो सी में क्या है कि संगत कोण युग्म के कोण का माप समान होता है, संगत कोण के युग्म, तो संगत कोण यानी कि ये ए डिग्री हो जाएगा, यानी तो ये क्या हो जाएगा ये ऊपर वाला लाइन यानी कि ये संगत कोण तो ये भी संगत कोण, यानी ये दोनों संगत कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी सी नंबर भी सही है। अब डी नंबर का बात करें तो एकांतर अंतः कोण के युग्म के कोण का माप समान होता है, तो ये भी बात सही है, यानी कि एकांतर कोण यहाँ जो था कहाँ था, एकांतर कोण यहाँ था ना, तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हो जाता है, तो ये ए डिग्री तो ये भी ए डिग्री, यानी दोनों एकांतर कोण क्या होता है माप समान होता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि शीर्ष ए 0-2 और बी 2-1, सी 0-4 और डी 2-1 से बनने वाले चतुर्भुज एबीसीडी का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज है और इन चतुर्भुज का जो है चारों कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक जो है वो दिया गया है, और इन्हें जो है ए से और इन्हें इनका नाम बी और इसका नाम सी और इसका नाम डी दिया गया है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि ए का जो है वो क्या है 0-2 है निर्देशांक, और बी का जो निर्देशांक है वो क्या है कि 2-1 है, और सी का जो निर्देशांक है वो 0-4 है, और डी का जो निर्देशांक है
वो क्या है, -2 और 1 है, और इतना देख के हमसे पूछ रहा है कि इस चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यदि हम इस चतुर्भुज में एक विकर्ण बना दे, एक विकर्ण खींच दे, तो एक विकर्ण खींचने के बाद जो है ये चतुर्भुज जो है 2 त्रिभुज में बट गया, यानी कि ये एक चतुर्भुज और ये एक त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल हम निकाल के दोनों को यदि ऐड कर दें तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए, जब कभी भी निर्देशांक दिया गया रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/2 × x1 × y − y (+x2 × y − y) + x3 × y − y से जो है हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। अब y पर क्या रखेंगे, तो एक कोड पिन कोड तरह होता है 23, 31, 12, ये पिन कोड की तरह याद रखिएगा, 6 डिजिट का है। और इस तरह लिखने के बाद जो है यहाँ से शुरुआत कीजिएगा y पे, तो y यहाँ y2 y3 हो जाएगा, उसके बाद ये वाला में हो जाएगा 3 और 1, यानी कि y3 और y1, और लास्ट वाला में हो जाएगा 1 और 2, यानी y1 और y2 हो जाएगा, ठीक ना। अब इस फॉर्मूला के मदद से जो है हम लोग जब कभी भी निर्देशांक दिया गया रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं दोनों त्रिभुज का, पहले ये वाला त्रिभुज का निकाल लेते हैं, उसके बाद इस वाला का भी निकाल लेंगे। तो ए में क्या है, इस अब देखिए निर्देशांक में क्या होता है कि एक तो x1 हो जाता है और दूसरा y1 हो जाता है, इसी तरह इसमें x2 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा y2 हो जाएगा। और ये वाली त्रिभुज, इस वाला त्रिभुज का यदि हम निकाल रहे हैं तो इस वाला त्रिभुज के लिए तो ये हो जाएगा निर्देशांक, तो जब ये निर्देशांक हो जाएगा तो इसको ले लेंगे x3 और इसको ले लेंगे y3। अब निकालेंगे यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 − 2 x1 के जगह क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो देखिए, अब क्षेत्रफल बराबर 1/2 × 0 से यदि हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ x1 के जगह क्या है, 0 है, तो जब 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो इसे अब छोड़ ही देते हैं डायरेक्ट, प्लस x2 देखते हैं क्या है, x2 जो है वो क्या है, 2 है, तो अब 2 लेंगे, ये तो पूरा 0 हो गया, तो छोड़ दीजिए। अब 2 और y3 और −y1 है, तो y3 क्या है, y3 जो है यहाँ 1 है और माइनस क्या है, y1 है, तो 1 और −2, तो 1 और −2 कितना हो जाएगा, प्लस, यानी 1, देखिए 1 और − का फॉर्मूला और 1 − 2 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ इसे सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का प्लस और x3, तो x3 के जगह क्या है, x3 के जगह −2 है, तो −2, और उसके बाद y1 − y2, तो y1 के जगह क्या है, −2 − 2, और माइनस फॉर्मूला का, और y2 क्या है, तो y2 जो है वो क्या है, 1 है, तो −1, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस, यानी कि −3, और −2 × −3 क्या हो जाएगा, −2 × −3 जो है वो +3 हो, सॉरी −2 × −3 जो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यानी कि इधर हम अब ऐड कर देंगे, यानी ये भी 3 और 3 × 2 कितना, 6 हो जाएगा, यानी बराबर 1/2 × 6 और 6 = 12। तो यानी कि 1/2 को हम 12, 1/2 × 12 होगा, 2 से 12 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि ये वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमारा आया है वो कितना आया है, 6 आया है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब देखिए इस त्रिभुज का यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इस त्रिभुज में जो हो जाएगा वो हमारा अब क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में देखिए, तो इस त्रिभुज में जो है अब हम बात करें इसका ना यहाँ से, तो ये इस त्रिभुज के लिए ये निर्देशांक, ये वाला निर्देशांक और ये वाला निर्देशांक हो जाएगा। अब माना कि इसको मान लेते हैं x1 और इसे मान लेते हैं y1, तो ये अब हो जाएगा क्या, x2 और ये हो जाएगा y2, उसके बाद ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। तो अब फॉर्मूला क्या है, यहाँ 1/2 × x1, तो x1 के जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 × y2 − y3, तो y2 कितना है, 4 है, और माइनस फॉर्मूला का, और y3 कितना है मेरा, y3 1 है, तो 1 4 में से 1 जाएगा तो कितना, 3 हो जाएगा। यानी सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा इसका मान, उसके बाद फॉर्मूला का प्लस, तो प्लस, उसके बाद x2, तो
तो एक्स टू क्या है, जीरो है, और जब एक्स टू जीरो है तो ये सभी क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है जीरो हो जाएगा, तो इसे छोड़ दीजिए प्लस जीरो। अब प्लस एक्स थ्री पे आइए, तो एक्स थ्री क्या है यहाँ, देखिए एक्स थ्री माइनस टू है, तो माइनस टू इंटू वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन हमारा कितना है, वाई वन एक है, तो एक माइनस वाई टू हमारा कितना है, वाई टू, वाई टू चार है, तो माइनस चार। अब वन में से चार घटेगा तो कितना हो जाएगा, वन में से चार जाएगा यानी फोर जाएगा, तो माइनस थ्री हो जाएगा, यानी माइनस टू गुने माइनस थ्री, माइनस माइनस खत्म, दोतिया कितना छः हो जाएगा, और प्लस छः यहाँ हो जाएगा। अब ये दोतिया छः और जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक बट्टा दो फॉर्मूला का यानी गुना, और छः प्लस छः कितना बारह हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी छः ही आता है, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल छः आता है। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल छः और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल छः, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बारह हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि x और y संख्या जो है 11 5x y है, तो ऐसे दो अंक है कि यह संख्या 90 से विभाज्य है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि x प्लस y का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि ये संख्या है और ये संख्या जो है 90 से विभाज्य है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये x और y का मान क्या होगा, यानी x प्लस y का मान क्या होगा, x प्लस y यानी x और y का योग पूछा जा रहा है। तो देखिए 90 को यदि हम तोड़ना चाहते हैं तो किस तरह तोड़ कर लिख सकते हैं, 9 गुने 10 लिख सकते हैं, यानी कि जो संख्या 9 से और 10 दोनों से विभाजित होगा वो संख्या 90 से भी विभाजित होगा। तो अब 9 से विभाजित होने का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है, यानी कि माना कि एक्स वाई जेड तीन संख्या है, तीन अंक है एक संख्या में, अब इन तीनों अंकों को ऐड करने के बाद यानी x प्लस y प्लस z का मान जो भी होता है वो संख्या 9 से यदि विभाजित हो रहा है तो वो पूरी का पूरी यानी x y z वाली संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगा। अब 10 से विभाजित होने का रूल क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक यदि शून्य है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगा। तो यहाँ जब कह रहा है अंतिम अंक शून्य होना चाहिए वो संख्या 10 से विभाजित होगा, तो y के जगह इसका मतलब शून्य होना चाहिए, y का मान यानी शून्य होगा तब तो वो संख्या 10 से विभाजित होगा। उसके बाद बचा अब x का मान, तो x का मान हम क्या रखें कि ऐड करने के बाद 5 और 1 6 और 1 7 ऐड करने के बाद 9 हो जाए, x का मान हम क्या रखें कि 5 इन सभी संख्या को ऐड करने के बाद 9 हो जाए ताकि 9 से विभाजित हो जाए, तो 5 1 6 1 7 और यहाँ 2 यदि हम रख देते हैं तो 9 हो जाएगा, यानी x का मान यदि हम 2 रख देते हैं तो ये पूरी संख्या जो है 9 से भी विभाजित हो जाएगा और 10 से भी विभाजित हो जाएगा, यानी कहने का मतलब x का जो मान होगा वो क्या 2 हो जाएगा और y का मान होगा वो 0 होगा। और y का मान 0 क्यों होगा, क्योंकि 90 से विभाजित होने का रूल यानी कि 9 से और 10 से दोनों से संख्या कटना चाहिए, और 10 से जो संख्या कटेगा उस संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो अंतिम में क्या है y है, यानी कि y का मान 0 होगा तब तो 10 से कटेगा। उसके बाद x का मान 2 क्यों होगा, 2 इसलिए होगा क्योंकि संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अभी देखिए 5 1 6 1 7 और y के जगह 0, तो 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 7 आया है और 7 क्या हो रहा है, 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यहाँ x के जगह हम क्या रखें कि 9 से विभाजित हो जाए, तो x के जगह यदि हम 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 जो है 9 से विभाजित हो जाएगा, तब जाके जो है ये बनी संख्या x के जगह 2 रखने पे, y के जगह 0 रखने पे बनी संख्या जो है वो 90 से विभाजित हो जाएगा, यानी x का मान 2 और y का मान 0 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x प्लस y का मान क्या होगा, तो x का मान तो 2 और y का मान 0, यानी 2 और 0 के ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी रियायती बिक्री में जो है 10,490 के अंकित मूल वाली एक साड़ी को जो है अब 9,441 में बेची जाती है, तो साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। देखिए क्या कह रहा है, एक साड़ी है जिसका एमआरपी यानी अंकित मूल जो है, मार्केट प्राइस जो है वो क्या है, 10,490 है। अब इस पे कितना छूट दिया गया है हमसे पूछा जा रहा है, ताकि हम इसे 9,441 में यदि बेच रहे हैं, 10,490 इस साड़ी का क्या है, एमआरपी है यानी कि मार्केट प्राइस है यानी अंकित मूल्य है, और इस साड़ी को हम क्या में कर रहे हैं, 9,441 में बेच रहे हैं, ठीक ना। तो अब इस साड़ी पे कितना डिस्काउंट दिया गया है सो हमसे पूछ रहा है, ठीक ना।
देखिए सबसे पहले तो निकालेंगे कि रुपया में कितना छूट मिला है, तो 9 यहाँ 0 में से 1 नहीं घटेगा तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 4 0 और ये 10 में से जो है 9 जाएगा तो 1, यानी 1049 रुपया जो है साड़ी पे छूट दिया गया। ठीक है, अब यदि 1049 रुपया साड़ी पे छूट दिया गया है तो छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि ऊपर में छूट होना चाहिए और नीचे में यानी कि अंकित मूल्य होना चाहिए। तो अंकित मूल्य क्या है, 10490 है, तो 10490 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना कीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 1049 यहाँ भी और 1049 यानी कट जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 10% का छूट जो है वो साड़ी पे जो है दिया जाता है। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि समीकरण एक दिया गया है और वो समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर जो है 0 है, और उसके बाद कह रहा है कि मूल में से एक मूल का मान जो है वो 3 है तो दूसरा मूल हमसे पूछा जा रहा है। कहने का मतलब द्विघात समीकरण को हम जब सॉल्व करते हैं तो x का 2 मान आता है, उस 2 मान में से एक मान दिया गया है 3 है, तो हमसे दूसरा मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि द्विघात समीकरण के मूल का योग यानी कि x का जो अलग अलग मान आता है ना समीकरण का, x का जो अलग अलग मान आता है वही योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है, माना कि एक मान अल्फा आ गया दूसरा मान बीटा आ गया, तो दोनों का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है, और इन्हीं दोनों के मूलों का गुणनफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। तो अब हम यदि इन फॉर्मूला से या ये फॉर्मूला से दोनों में से कोई एक फॉर्मूला के मदद से जो है x का दूसरा मान पता कर सकते हैं। तो अब देखिए दूसरा मान कैसे पता करेंगे, तो यहाँ देखिए a और b और c क्या होता है, तो x स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है ना, x स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो क्या कहलाता है, a कहलाता है। तो यहाँ तो x स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ भी नहीं है यानी कुछ भी नहीं है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x का जो कोफिशियंट होता है वो क्या कहलाता है, b कहलाता है, और यहाँ वाला जो मान होता है वो पूरा का पूरा क्या, c कहलाता है। तो अब तो पता चल गया कि a b c किसे कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक मूल का मान 3 दिया गया है, तो माना कि अल्फा का मान दिया गया है। ठीक है, तो अल्फा का मान 3 और दूसरा मूल हमसे पूछ रहा है, तो माना कि 3 प्लस बीटा यानी एक मूल का मान दिया गया है और दूसरा मूल पूछ रहा है बराबर। अब देखिए माइनस बी, तो माइनस बी, माइनस तो फॉर्मूला वाला एक और बी का मान यहाँ क्या है, माइनस 12 है, यानी कि माइनस 12 बी का मान है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यानी कि 12, और बट्टा ए का मान क्या है, या एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट एक है, तो एक्स स्क्वायर यानी ए का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी बीटा का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब समीकरण का दूसरा मूल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और पहला मूल तो समीकरण का दिया गया था क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 3 दिया गया था, और हमसे पूछ क्या रहा था, दूसरा मूल पूछ रहा था, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि a और b समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0, क्या है कि समीकरण एक दिया गया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बराबर जो है वो 0, एक समीकरण दिया गया है। आगे कह रहा है x के पदों में जो है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल जो है 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा और दूसरा मूल अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। हमें क्या पूछ रहा है हमसे कि एक समीकरण दिया गया है जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जो है वो 2 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हमसे पूछ रहा है, नया समीकरण हमसे पूछ रहा है, उस नया समीकरण का जो है सॉल्व करने के बाद जो मूल आएगा यानी अल्फा और बीटा का जो मान आएगा उसमें पहला यानी अल्फा का मान ये होना चाहिए और बीटा का जो मान है ये होना चाहिए हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे समीकरण को और कैसे बनाएंगे समीकरण को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है इस समीकरण का हम पहले मूल पता करेंगे कि मूल क्या है, मूल का योग और मूल का गुणनफल क्या है। तो मूल का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस बी बट्टा ए होता है, और मूल का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। तो अब देखिए ए क्या होता है, ए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी कि यहाँ बट्टा में एक लिख सकते हैं, अब फॉर्मूला वाला माइनस। उसके बाद बी क्या होता है कि एक्स का कोफिशियंट होता है, तो एक्स का कोफिशियंट क्या है, माइनस है, यानी कि माइनस 1 एक्स का कोफिशियंट हो जाएगा ना। तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा।
उसके बाद अब यदि हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा कि सी बट्टा ए है, तो सी क्या होता है यहाँ का पूरा मान होता है यानी कि 2 हो जाएगा, और बट्टा ए में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी 2/1। तो कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमें फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समीकरण बनाने के लिए कह रहा है, और उस समीकरण का मूल क्या होना चाहिए 1/α + 1/β, और दूसरा मूल उसका 1/β होना चाहिए। हमसे जो कह रहा है समीकरण बनाने के लिए उसका मूल ये होना चाहिए पहला मूल, और दूसरा मूल जो है ये होना चाहिए कह रहा है। देखिए जब हम यदि इसे सॉल्व करते हैं बीन जोड़ लेके यानी कि एलसीएम नीचे वाला के लेके, तो यहाँ अल्फा और बीटा है तो क्या हो जाएगा एलसीएम तो अल्फा इंटू बीटा, और ये बीटा इधर जाएगा तो यानी बीटा और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 1 आया है तो 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 2 आया है तो 2, यानी 1/2 क्या हो जाएगा इस समीकरण जो नया समीकरण हम बनाएंगे उस समीकरण का मूल हो जाएगा 1 मूल, ठीक है। और नया समीकरण जो हम बनाएंगे उसका दूसरा मूल हमें क्या कह रहा है अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए, तो दूसरा मूल क्या है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2 है, तो यहाँ 2 रख सकते हैं यानी अल्फा इंटू बीटा का मान सीधे 2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं ना, हाँ 2 रख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए नया समीकरण बनाने का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है वो 0 होता है, नया समीकरण इस तरह बनता है कुछ, ठीक ना। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर तो रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का तो मान होगा 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा का मान यहाँ 2 हो जाएगा तो प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1/2, और बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा का मान 2 हो जाएगा तो गुणे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब बराबर 0। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस, और यहाँ यदि एलसीएम लेते हैं तो 2×2=4 और 1 कितना 5/2 हो जाता है 5/2 एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा 2 से 2 खत्म यानी 1/0 जो है नया समीकरण हमारा जो है कुछ इस तरह हो जाएगा। अब यदि हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो अब यदि हम इस 2 को खत्म करना चाह रहे हैं ना, तो ऑप्शन में तो कहीं भाग यानी बट्टा में 2 है नहीं, तो जब बट्टा में 2 नहीं है तो इस 2 को यदि हम खत्म करना चाहे तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे और इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो ये 2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, और 2 खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस क्या हो जाएगा 5x, और प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 कौन सा ऑप्शन है, तो 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 यानी कि ए नंबर ऑप्शन ही है, ठीक ना। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन 4 महीनों के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाई का क्रमशः अनुपात क्या है, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पी के द्वारा 4 महीना में, पहला महीना में 80 बेचा गया है पी के द्वारा, दूसरा महीना में पी के द्वारा कितना बेचा गया है तो 30 बेचा गया है, और तीसरा महीना में पी के द्वारा 50, और चौथा महीना में जो पी के द्वारा बेचा गया है वो 90 बेचा गया है, और बट्टा यानी अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात का अर्थ बट्टा भी होता है। अब क्यू का पूछ रहा है अनुपात तो 60, और प्लस क्या हो जाएगा 40, और प्लस कितना 70, और 70 और प्लस कितना 60 हो जाएगा। अब इधर यदि ऐड करते हैं तो 0 का क्या हो जाएगा 0 ही होगा, 9 5 कितना 9 और 5 14, और 3 17, और 17 8 हो जाएगा आपका 17, और 8 25 हो जाएगा यानी कि 250 पी का, और बट्टे जो हो जाएगा क्यू का 0 का 0, और 6 और 7 13, और 13 4 17, और 17 और 6 23 यानी 230, 0 का 0 खत्म हो जाएगा यानी कि पी और क्यू का जो अनुपात हो जाएगा वो 25:23 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1280 की राशि जो है वो 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि हमें साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला पी गुने आर गुने टी बट्टा 100 होता है, और पी का अर्थ क्या होता है प्रिंसिपल, आर का अर्थ दर, और टी का अर्थ समय होता है, और एस साधारण ब्याज होता है। तो हमसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। अब पी क्वेश्चंस में कितना दिया गया है 1280 दिया गया है, और दर कितना दिया गया है क्वेश्चंस में 5% दिया गया है, और समय जो है वो कितना 3 वर्ष दिया गया, और बट्टा फॉर्मूला में कितना है 100 है, 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 खत्म, और 5 से 2 दुनी
5 × 10 और 2 से ये कटेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 यानी 64 और 64 तिया 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1 और 36 = 18, 1 = 19 यानी कि ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। ठीक ना, जो ऑप्शन होगा इसका सी नंबर। तो ये था आज यानी 4 नंबर सेट का जो